अब एक्वेट हो गया, लेकिन अब सवाल रह गया है मर्डर का, राइट। और मैं तो शुरू से कह रही थी सीबीआई को कि बच्ची को मारा गया है, ये केस 302 का है। अब सीबीआई के पास इवन अबेटमेंट के कोई एविडेंसेस नहीं थे, तो यू नो कोर्ट क्या करती है, रिस्पेक्ट कोर्ट्स डिसीजन, बिकॉज उन्होंने वो ही किया जो प्रोसिक्यूशन ने उनको दिया नहीं। अगर वो एविडेंस उसके देते तो वो चार्ज लगते, अब उनके उनको अब पेश करना होगा मर्डर चार्ज। लेकिन आपने आपने 10 साल तक इतना संघर्ष किया और फैसला इस तरह का आया कि वो बड़ी एक मान है जी, और मैं क्यों नहीं लाऊंगी लेकिन इस तरह का फैसला है कि कोर्ट ने कहा कि साइड नहीं करना है, नहीं आप बड़ी बाइजत परीक्षा जैसा बोलते हैं, आप बाइजत परीक्षा क्या कहेगा एक मान है, कोर्ट ने कहा कि सबूतों के अभाव में बाइजत। देखिए मुझे कोई ऐसी कोई इसके पहले भी मर्डर को लेकर आप हाईकोर्ट जा चुकी, हाईकोर्ट ने मना कर दिया था, उन्होंने कहा था कि अबेटमेंट का रोड छोड़ो साइड लाया, साइड आप कैसे जाएंगे, कब मना किया, कब मना किया, अब वो पिछली वो पास्ट हो गया। अब फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर में मैं जाऊंगी और मैं पूरे वही एविडेंसेस लेकर, आज के फैसले पर आप क्या कहेंगे, आज का जो फैसला है उस पर आप क्या कहेंगे, आज का फैसला मेरे लिए कोई शॉकिंग नहीं है, वहाँ पे कोई एविडेंस नहीं है, प्रोसिक्यूशन के पास कोई एविडेंस नहीं है, तो एक्वेट तो होना ही चाहिए। एक मिनट रोड रोड सवाल ये है, सर मैंने आपको ये प्रोसिक्यूशन है, यू बीन फाइटिंग हार्ड सिंस 10 इयर्स मैडम मैडम प्लीज इधर सर, यू बीन फाइटिंग फॉर अ जस्टिस रोड रोड ब्लॉक ना कर साइड लाइन रोड क्लियर करा, एक मिनट एक मना, एक मिनट साइड आपको लगता है न्याय नहीं मिला, न्याय की क्या बात है इसमें, 306 अबेटमेंट टू सुसाइड तो कभी था ही नहीं, ये तो झूठा चार्ज लगाया हुआ था, तो उसके ऊपर तो एक्वेट हो ही रही है मैम 10 साल तो सीबीआई और पुलिस ने गलत जांच की, neither evidences for abetment to suicide, so why did they put the charge when they had no evidence? Ma'am pehle jab 10 saal ke baad kaisa hai, are idhar karo yaar, camera camera center mein kya ma'am, aram se aram se, jab aap pehli baar jab high court gayi thi agency yahi badi par 10 saal ke lambe intezar ke baad ek aisa faisla, kahin na kahin nirasha hogi, kis baat ki nirasha, 306 ke liye main kyun nirasha jaungi भाई, मुझे तो निराशा सीबीआई से है, एजेंसी से है, दोनों एजेंसी से, जिन्होंने यू नो मेरी बच्ची की के मर्डर को ऐसी दरबदर कर दिया, आप समझ रहे हैं, बिल्कुल आंखों में पट्टी डाल दी, मैम थोड़ा इधर एविडेंस में प्रोड्यूस भी किया, जब मैंने इतनी मेहनत की एक एक एविडेंस जाके उनके सामने रखा, इन्होंने कोर्ट में इस लड़की ने तो सारा काम किया है,
मैंने सारा काम किया उनका, इस तरह थोड़ा यहाँ पे देखो मैम, बट उनसे ये डाइजेस्ट नहीं। मैम ये बताइए कि आपने सीबीआई के ऊपर सवाल भी उठाया था कि उनकी जांच जो है बराबर नहीं है, आपने हाई कोर्ट जब यस यस कई दफा, एक दफा नहीं बार बार कहा प्लीज आप जरा देखिए, चलिए आप नहीं देख रहे तो मैं ही ले आती हूँ, मैं उनके पास में फॉरेंसिक रिपोर्ट्स लाई एक्सपर्ट्स की, मैं उनके पास में तीन चार एक्सपर्ट की रिपोर्ट्स लेकर आई, मैंने उनके सामने सिमिलर काइंड ऑफ लिगेचर उनके सामने रखा, यहाँ तक कि टू बी वेरी फ्रैंक देयर वर नो एविडेंस, द फोन वाज नॉट द सेम, द दुपट्टा वाज नॉट द सेम, नथिंग वाज सेम, ऑन व्हाट बेसिस दे विल डू, आई एम क्वाइट श्योर दैट ड्यू पुलिस मस्ट हैव नॉट गिवन सीबीआई एनीथिंग, बट इट वॉज सीबीआईज ड्यूटी टू गो टू द रूट and to get everything from Juhu police, but they did not do their job. The reason, they know the best. I don't know, but I will fight and I will go. Even if I have to go to Supreme Court, I will go. Can it be over now, please? Okay. Thank you. Sure.